मैं इतने क्यूट लगा, तुम्हारा चेहरा तो रणबीर कपूर से मिल रहा है। रणबीर कपूर जानते हो कौन है? हीरो है। डॉक्टर बनना चाहोगे कि बेचना चाहोगे? डॉक्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा करना कि यास्मीन कभी किसी से भीख नहीं मांगना। कितने का है ये? 10 का। 10 रुपए का एक? कितने बेच लेते हो पर दिन में? यहाँ पर यहाँ हो, क्या नाम है? नफीस। तो कितने बिक जाते हैं? 30-40 बिक जाते हैं। 30-40 बिक जाते हैं। नहीं बेचते हो, बस पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। किसमें? अस्पर नगर वाले। कौन से क्लास में हो? थर्ड में। थर्ड में हो? तो ये कहाँ बेच रहे हो? अब्बा क्या करते हैं? स्कूल बंद है इसीलिए बेच रहे हैं। अच्छी बात है ये, कभी मतलब किसी से भीख ना मांगना। जी तो भाई, इनका नाम नफीस है, वो मेहनत करते देखे, ये तो छोटे से हैं और थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। ये चाहे तो और लड़कों की तरह ये पैसे मांग सकते हैं और दे भी देंगे बहुत लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, खुददार लड़का है ये, और ये बेच के पढ़ते भी हैं और अपने घर का खर्च भी चलाते हैं। तो हमें कभी कभी देखिए ये चीज़ है, ये बच्चों के खाने की, क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको कैंडी। मैं निकालो जरा एक। तो अमूमन ये बच्चे खाते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए छोटे बच्चे ये इतनी मेहनत से, और लॉकडाउन आप देख रहे हैं सबको बर्बाद तो करे ही हुए, तो कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए, ना पसंद होते हुए नहीं खाते हुए भी अगर हम ये चीज़ें ले लें तो कम से कम इनका कुछ भला हो जाएगा, और जो इनके कुछ 8-10 पैकेट दिख रहे हैं तो इनके जल्दी बिक जाएंगे और जल्दी घर जा सकेंगे और अपनी पढ़ाई पे अपने घर वालों को टाइम दे सकेंगे। तो बेटा इसको मतलब तुम जितने बेचते हो उसके बाद ना बेचा करो, ठीक है? जितने तुम्हारे एक दिन में एक बार लाया करो और बेच के घर चले जाया करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, पढ़ाई कभी ना छोड़ना, ठीक है ना फिर भाई? पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। तो आप लोग से भी ये गुजारिश है कि कभी कभी ऐसे सामान ले लिया करें जिन्हें आपकी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि आपके कुछ 10 रुपये या 20 रुपये लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगले इन छोटे छोटे बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे भीख ना मांगते हुए ऐसी चीज़ें बेचते हैं और अपने घर का घर चलाते हैं। तो ये हम ले लेते हैं, हम 3 लोग हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है? एक और लो। हाँ देखिए, ये हमें पसंद तो नहीं है, सच बता रहे हैं, लेकिन ये हम ले लेते हैं, कोई मिलेगा तो खा लेगा, वरना एक हम भी खा लेंगे। आज हम भी बच्चे बन जाते हैं। खाएंगे नहीं खाएंगे आप? एक खाते हैं। चलिए, एक हमारे मास्टर साहब, और हम अपना ये वाला भैया बिटेक दे देते हैं। बिटेक लो खाओ। नहीं खाओगे? खा लो, खा लो। नहीं खाते नहीं हो? नहीं। खाते नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलो इसको हम भी खा लेंगे, ठीक है? तुम बेटा क्या बेचती हो? पैकेट है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? यास्मीन। बहन हो क्या इसकी? नहीं, हम पहले कैंडी बेचते हैं। तो आप कैंडी या पानी बेचती हो? और पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो? किस क्लास में? तुम घर जाओ बेटा, तुम जाओ, तुम घर आओ। क्या नाम है? यास्मीन। तुम किस में पढ़ती हो? कक्षा 2 में। अच्छा, तो पानी क्यों बेचती हो ये? हाँ। घर पे आया करो, पढ़ाई कर लिया करो। एक मेरी अप्पी है, वो पढ़ी लिखी है, तो लोगों को पढ़ा देती है। अच्छा, तो पढ़ती हो? हाँ। तो ये दिन भर तो नहीं बेचती हो पानी? हम लोग अभी चले जाएंगे, मतलब जितना होता है उसके बेचने के बाद चली जाती हो। तो बेटा यही करना कि यास्मीन कभी किसी से भीख नहीं मांगना, कभी किसी से पैसे नहीं मांगना, ठीक है? अपना जो भी तुम्हारे पास 10 कितने पैकेट लेके आती हो ये? हम 20 लाए थे। 20 लाए थे, अभी कितने बचे हैं? 5 रुपए का एक। ये 5 रुपए का है? 2 रुपए का? 5 के 2 है। तो जितने ही पैकेट लेके आया करो, उसको बेच दिया करो, उसके बाद घर चले जाया करो। उसके बाद क्या करोगी? पढ़ाई करना। उसके बाद पढ़ाई करना, ठीक है? जब तुम पढ़ोगी जॉब मिलेगी तुम्हें, नौकरी मिलेगी, तुम्हें पानी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? समीर। नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं, समीर। हमारे ये नदीम, नफीस और यास्मीन। तुम ही बेचते हो यहाँ? पूरा दिन बेचते हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कितना बेचते हो? 10 लाते हैं। घर आओ। मैं इतने क्यूट लगे, तुम्हारा चेहरा तो रणबीर कपूर से मिल रहा है। रणबीर कपूर जानते हो कौन है? हीरो है। तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? नहीं। तुम नहीं पढ़ते हो? तो यार ठीक नहीं, यास्मीन पढ़ती है, तुम नहीं पढ़ते हो, ये कौन सी बात है? हाँ, पढ़ोगे तो ये बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अभी बंद है, लेकिन अभी इससे पहले तो खुले थे। पढ़ोगे तो ये हमेशा नहीं बेचने पड़ेंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो उसको बेचना पड़ेगा हमेशा। तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमेशा बेचे ही है? नहीं। क्या क्या चाहते हो तुम? हमेशा ये बेचे कि हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं? डॉक्टर बनना चाहोगे कि बेचना चाहोगे? डॉक्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा ना,
तुम्हारे पास भी कार हो। डॉक्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा। लो भाई, मैंने बाइक खरीदी है पढ़ के लिख के। देखो हाँ, देखो बाइक है मेरी, अच्छी बात तो हमने पढ़ के तो खरीदी है। तुम खरीदो, कैसे खरीदोगे, बेच खरीदोगे? इधर देखो। तुम्हें बाइक लेनी लेनी है? कार लेनी नहीं लेनी है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? पक्का? प्रॉमिस? डन है, पढ़ोगे जरूर। इसको बेचो, भीख ना मांगना किसी से, किसी से पैसे नहीं मांगना, किस चीज़ से पैसे नहीं मांगना कभी ज़िंदगी में। इसको बेच के जितना बेच दो, उसके बाद घर जाके पढ़ाई करना होगी। आसमिन पढ़ते, तुम भी पढ़ना, ठीक है? ये लो, तुम यासमीन को हम इनाम देंगे, तुम्हें कम देंगे। तुम पढ़ते नहीं, तुम्हें कम देंगे हम। तुमसे सामान नहीं लेंगे, पर तुमसे पैसे, तुमसे सामान भी नहीं लेंगे, गुस्से में नहीं लेंगे, तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है? पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पैसे और देंगे, ठीक है? इधर देख के बताओ, कैमरे में देख लो, हम कैमरे में तुम्हें सेफ रखे हुए हैं। पढ़ोगे, डंडे चलेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। हाँ बोलो, स्कूल जाएंगे, उसमें बताओ, उसमें बोलो, कभी हम पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे स्कूल, और कभी किसी से पैसे नहीं मांगेंगे, कभी किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। पक्का? जाओ बेटा, वो ले खा लो, उसको खा लो, तुम खा लो, जाओ। कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ये पानी और भी जो कैंडी वो चीज़ें बेचते हैं, और उनसे सिर्फ ये पाउच पानी के नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनसे बात करना चाहिए कि क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। तो उन्हें समझाना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और उन्हें बताएं कभी भीख ना मांगे, ये आप जो पानी बेच रहे सही काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आप पानी ना बेचें। आप जितना भी आप किसी भी बच्चे से मिले या उनसे कुछ सामान खरीदे, तो उन्हें समझाएं दो मिनट कि बेटा जो तुम ये काम कर रहे हो, काम बिल्कुल गलत नहीं है। अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं है तो ये काम कर सकते हो, लेकिन ये काम आप परमानेंट ना करें, जितनी ज़रूरत है उतनी करें, उसके बाद आप पढ़ाई करें और उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। तो हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे बच्चे मिलेंगे, चाहिए कि हमें उनसे छोटे से पाउच या कैंडी या कुछ भी जो एनीथिंग वो बेचते हैं वो चीज़ें उनसे लेनी चाहिए, और उनसे दो मिनट बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए कि क्या उनकी परेशानी क्या है, क्यों वो ऐसा काम करने के लिए मतलब मजबूर हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो पढ़ें ज़रूर। तो ये काम हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इल्म ऐसी ताकत है जो आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो इल्म की हमेशा तरगीब करते रहें। तो मेरी वीडियो का यही मोटिव था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जज़ाकल्लो खैर।